फ्लैश न्यूज की सारी खबरें आप तक। कोटला मुबारकपुर क्षेत्र में क्षेत्रीय पार्षद के साथ सेंट्रल जोन के डिप्टी कमिश्नर अमित शर्मा ने क्षेत्र का लिया जायजा और जनता की समस्याएं सुनी। देश की राजधानी दिल्ली के कोटला मुबारकपुर इलाके में शुक्रवार की सुबह 10 बजे सेंट्रल जोन के डिप्टी कमिश्नर अमित कुमार ने इलाके में दौरा किया और उनके साथ स्थानीय निगम पार्षद कुसुम लता भी मौजूद रही, जहां पिछले कई दिनों से लगातार स्थानीय लोगों की शिकायत मिल रही थी कि यहां पर सड़कें टूटी हुई हैं और कुछ दुकान हैं जिन्होंने अतिक्रमण कर रखा था मगर MCD के द्वारा हटा दी गई। इसको लेकर स्थानीय निगम पार्षद भी कई बार अधिकारियों से मिल चुकी हैं। स्थानीय लोगों की शिकायत के बाद कोटला मुबारकपुर सेवानगर अलीगंज इलाके में शुक्रवार की सुबह 10 बजे सेंट्रल जोन के डिप्टी कमिश्नर अमित कुमार ने दौरा किया और स्थानीय लोगों की समस्याओं को सुना और शिकायत सुनने के बाद जनता को जागरूक किया कि कूड़ा कचरा बाहर ना फेंकें। वहीं सेंट्रल जोन के डिप्टी कमिश्नर अमित कुमार ने बताया कि शुक्रवार की सुबह उन्होंने क्षेत्र में दौरा किया। कोटला मुबारकपुर के वार्ड नंबर 147 में निगम के सभी अधिकारियों के साथ दौरा किया, जिसमें सफाई कर्मचारी भी शामिल रहे। साथ ही इलाके के लोगों की समस्या को सुना कि उनकी तकलीफ है और कैसे इलाके को साफ सुथरा रखा जाता है, उसको लेकर भी कुछ लोगों को साफ सफाई को लेकर जागरूक किया। सुने आप डिप्टी कमिश्नर अमित कुमार की बाइट। ये जो है हमको ज्वाइन किए हुए 10 ही दिन हुआ है। ये 5वां वार्ड है जो डेली मेरा एक राउंड रहता है मॉर्निंग में 1.5 घंटे का हर वार्ड में। तो आज ये आना हुआ तो यहाँ मेजर थोड़ा सा कंजस्टेड एरिया है, रोडों का जो है रिपेयर की ज़रूरत है या नई बनने की ज़रूरत है। एक कम्युनिटी सेंटर का और एक ये बहुत मेजर डिमांड बताया है कि ये यहाँ जो डिस्पेंसरी चल रही है उसमें जो है डिलीवरी और जच्चा बच्चा सेंटर खुलना चाहिए, नया बनना चाहिए। तो ये सब सुना है, बट जो इनसे रिपोर्ट लिया है नीचे जूनियर अधिकारियों से, तो उन्होंने कहा रोड वगैरह का प्रपोजल काफ़ी मैच्योर स्थिति में है, वो शायद एक आध महीने में हो जाए। बट जहाँ मलबा पड़ा हुआ है या जो थोड़ा बहुत सफाई की ज़रूरत है, कंजेस्टेड है थोड़ा, वो निश्चित रूप से आज कल में ये लोग पूरा 100% क्लीन करेंगे और आगे भी इसको मेंटेन करेंगे। तो मैं लोगों को भी ये निर्देश दें, जब तक जन भागीदार, जब सब लोग अगर जागरूक हो जाएं, सब लोग अपना अपनी अपनी जिम्मेदारियों को समझें, कूड़े को कूड़ेदान में डालें, इधर उधर जैसे मान लो छोटा छोटा काम कराता है टाइप करके, सभी लोग घर का काम हुआ मलबा सड़क पे डाल दिया, तो थोड़ी जिम्मेदारी अगर खुद भी हो तो थोड़ा हम लोगों का काम आसान हो जाए। बट डेफिनेटली इनको मोटिवेट करके जा रहे हैं कि क्या होता है, सफाई भी रखें, मलबे को बिल्कुल जीरो रखें और ये जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट वाले प्रोजेक्ट हैं उसको हम हेडक्वार्टर में जाके पुश करेंगे। समस्या तो है इतनी थी और मैं खुद अवगत हूँ क्योंकि मैं यहाँ की रहने वाली हूँ, और सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर ट्रैफिक की और जो सड़कों का इतना बुरा हाल है ना, क्योंकि अलीगंज गांव को चारों तरफ से घेर दिया। मैं कह रही विकास होना चाहिए, लेकिन विकास के साथ साथ ये तो देखते हैं कि वहाँ इतना जो रोड है उनकी हालत पहले इतनी ख़राब थी, अब उस पर लोड इतना ज़्यादा हो गया तो वो और भी ज़्यादा जीरो स्थिति में होगी। तो हमने DC साहब से रिक्वेस्ट करी सबसे पहले सड़कों का देखा जाए, और दूसरी समस्या जो वो है कि वो जो उन्होंने PMO का प्रोजेक्ट बताकर जो ये वेंडर जो उठा दिए, तो मेरी तो पर्सनली एक मानवता के नाते भी थी कि उठाने से पहले उन्हें कहीं बसाते, क्योंकि उनका क्या कसूर था जो वो उजाड़ दिए, तो उनको कहीं अब चलो अब तो निकाल दिए उजाड़ दिए, तो उनको कहीं ऐसी जगह बैठाए जहाँ उनका रोज़गार चल सके, क्योंकि उससे मेरे 5,000 आदमी इफेक्ट कर रहे हैं, बेरोजगारी हो रही है और वो मतलब उनको अगर सर्टिफिकेट दिया गया MCD की तरफ से तो उनको बैठाने की भी तो व्यवस्था की जाए, और वो 60 साल पुराने हैं। यहाँ पर सारे फ्लूट वाले आपके इलाके में रहते हैं, आपके दरवाजे के लिए तो समस्या ये हो गई कि सिर मुंडाते ही ओले पड़ गए, क्योंकि वो वोटर तो मेरे हैं और उनका जो रहने का वो जो जहाँ पर वो अपनी दुकानदारी चला रहे थे वो सेवानगर इलाके में आते हैं, तो मैं क्या करूँ इनके लिए। मैं तो ये सोच रही हूँ कि अपने घर पे बैठा लूँ इनको, इनका व्यवसाय जो जो उनके बच्चे हैं, जो अब तो चलो थोड़ी ठंड कम हुई है, ठंड के टाइम में बिना नोटिस दिए कुछ भी काम होता है तो उसका नोटिस तो दिया जाए, बिना नोटिस दिए उनको उजाड़ दिया। तो मेरी तो सरकार से रिक्वेस्ट है, अपनी तरफ से तो मैं कोशिश करूँगी, DC साहब से भी मैंने पर्सनल रिक्वेस्ट करी है कि इनको कहीं बैठाया जाए।